इंडिया वर्सेस चाइना। नंबर वन, चाइना में बचपन से ही स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बचपन में ही वो मेंटली और फिजिकली इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाए और फिर वो अपने और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने पर फोकस कर पाए। वहीं इंडिया में कई कल्चरल और धार्मिक रीजंस की वजह से शुरू से ही दोनों जेंडर्स को एक दूसरे से दूर रखा जाता है। नंबर टू, जहां इंडिया में 85% से भी ज्यादा लोग धार्मिक है, वहीं चाइना में 98% से भी ज्यादा लोग कम्प्लीटली एथिस्ट है। नंबर थ्री, आज पूरे चाइना को एक्साइज जिनपिंग कंट्रोल करते हैं, जो इतने ज्यादा पावरफुल है कि इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता। मतलब आप इन्हें किम जोंग से रिलेट कर सकते हो। वहीं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां प्राइम मिनिस्टर देश की जनता चुनती है। नंबर फोर, दोनों देशों का इतिहास काफी बुरा रहा है, जहां 1973 तक चाइना जैसे पूरी तरह खत्म हो चुका था, वहीं सिर्फ 50 सालों में ये अपने प्लान्स पर कंसिस्टेंट रहकर इतना आगे बढ़ गए। वहीं हमारा इंडिया, जिसे आजादी के पीरियड तक मुगल और ब्रिटिशर्स ने लूट लूट कर खाली कर दिया था, उसी देश ने सिर्फ 75 ईयर्स में अपने GDP को $3 trillion से भी ज्यादा आगे पहुंचा दिया है, और ये हम सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।